So hello guys, welcome back to the another episode of Ark Survival World. And आज हम मेन मेन्यू पे इसलिए हैं क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया मैप, क्योंकि दी आइलैंड खेलते हुए हमें ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ बट काफ़ी एपिसोड्स हो चुके हैं दी आइलैंड के, एंड वो जितने भी एपिसोड पुराने हो चुके हैं आगे हम नए एपिसोड उसके भी कंटिन्यू रखेंगे. बट एक अब नया मैप आया है, नया DLC आया है आर्क में, सो वो भी हमने ट्राई करना है. सो जल्दी से चलते हैं न्यू मैप पर, और उस मैप का नाम है फ्योर्डर. सो थोड़ा सा मैंने खेल के देखा है बट अब हम वो सारा डाटा डिलीट कर देंगे एंड स्टार्टिंग से सिंगल प्लेयर करके एक नया सर्वाइवर बनाएंगे. ओके, सो ये मैप बहुत बढ़िया होने वाला है. जैसी मैंने इसकी वीडियोस देखी हैं, जैसी मैंने इसकी फोटोज देखी हैं, मैप बहुत ही बढ़िया देखने में. एंड ये सर्वाइवर मेरा इतना, हाँ ये ठीक है सेंटोन. ओके, सो बाकी और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस सर्वाइवर नेम चेंज कर लेते हैं, अपना नेम रख लेते हैं गेमर बॉट. एंड क्रिएट न्यू सर्वाइवर. ओके सो जैसे पुराने मैप में एंट्री होती थी वही सब हो रहा है एंड वही सब एनिमेशंस हैं. ओके सो अब देखते हैं मैप कैसा होगा. ओके सो हो जा स्टार्ट. ओके सो गेम स्टार्ट हो गई है एंड मैप में हम आए हैं यहाँ पर एक पानी के पास. ओके सो एक बार मैप देख लेते हैं. एंड मैप यहाँ पर अभी पूरा का पूरा एक्सप्लोर करना है. मैप में अभी हिडन लोकेशंस हैं सारी, ये जब जहाँ जहाँ हम एक्सप्लोर करते जाएंगे वहाँ वहाँ ये मैप अनलॉक होता जाएगा. सो ओके सो स्टार्टिंग के लिए अब सबसे पहले हमें चाहिए स्टोन पिकैक्स, स्टोन हैचेट एंड लेवल अप हो गया, कोई बात नहीं. ज़ीरो से स्टार्ट हुए हैं बट कोई बात नहीं, इस बार हम थोड़े प्रो हैं, थोड़ा गेम आती है क्योंकि खेली है पहले दूसरे मैप में, पता है क्या क्या सब करना है. एंड इस मैप में थोड़े क्रिएचर्स भी न्यू होंगे, देखेंगे कौन कौन से नए डायनोज हैं, क्या क्या है मैप में. पहले तो थोड़ा सा बेसिक जो भी काम है, रिसोर्सेज वगैरह सब, वो सब हम कलेक्ट कर लेते हैं. एंड थक गया काफ़ी जल्दी, लेवल अप कर लेते हैं हम अपना, स्टेमिना ही इंक्रीज कर लेते हैं पहले. ओके सो स्टोन पिकैक्स एंड स्टोन हैचेट एंड स्पेयर भी बहुत ज़रूरी है एनकेएम फायर के लिए. अभी इनग्राम पॉइंट नहीं बचे तो कोई बात नहीं, अभी हम पहले देख लेते हैं. हमारे पास क्राफ्ट करने के लिए अभी कुछ नहीं है. थैच चाहिए हमें स्टोन पिकैक्स के लिए. ओके सो स्टोन पिकैक्स को हम स्लॉट वन में रख देते हैं. एंड अब स्टोन पिकैक्स से हम वुड कलेक्ट कर लेंगे. एंड वेट, अरे इसमें स्टोन पिकैक्स से पेड़ से सैप मिल रहा है, मतलब अलग से एक सैप वाली टैप लगती है, वो हमने अभी उस मैप में नहीं लगाई है, वो लगाएंगे हम आगे फ्यूचर में. बट उस मैप में दी आइलैंड में ऐसा था कि सैप कलेक्ट करने के लिए एक सैप टैप लगती थी पेड़ पे, सो उसमें सैप कलेक्ट होता था, बस इसमें सीधा ही मिल रहा है. चलो अच्छी बात है, थोड़ा ईजी हो गया, काम कम हो गया हमारा. एंड अब हमें चाहिए खाना, सो डोडो को मारना पड़ेगा. अच्छा डोडो मीट दे दो मुझे तो बस, क्योंकि ना अभी भूख लग जाएगी थोड़े टाइम तक मुझे. ओ कैंप फायर हमारी क्राफ्ट हो गई, कैंप फायर. ओके सो कैंप फायर हम यहीं पे लगा देते हैं अभी, क्योंकि फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी नहीं है और किसी चीज़ की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. मीट हमें चाहिए ही नहीं है, जब तक ये मीट बनता है तब तक हम एक डोडो और पकड़ लेते हैं वहीं पे, इसको मारे. अबे उड़ गया. बन गया खाना बन गया. ओके अब सही है, थोड़ा बेटर है. अब हम एक स्पेयर क्राफ्ट कर लेते हैं जिसके लिए हमें वुड एंड फाइबर चाहिए. ओके सो ये काम करते हैं, पहले हम स्टोन हैचेट क्राफ्ट करते हैं जिसके लिए फ्लिंट चाहिए, हैच चाहिए एंड वुड चाहिए, जो चीज़ें शायद हमारे पास होंगी. ओके सो वुड चाहिए,
क्योंकि स्टोन हैचेट से हम वुड कलेक्ट कर पाएंगे अच्छे से, स्टोन पिकेक्स से वुड नहीं अच्छे से कलेक्ट होती। अब चलते हैं एक्सप्लोर करने। किसी डाइनो का सैडल अनलॉक हुआ है। ओके, फ्यूमिया का सैडल अनलॉक हुआ है, बट फ्यूमिया काम का नहीं है। सो मुझे लेवल 9 तक पहुंचना होगा, जहाँ पे हमें पैरासोर का सैडल अनलॉक होगा, फिर थोड़ा सा और इजी हो जाएगा एक्सप्लोर करना। तो तब तक तो ऐसे ही चलते हैं। अरे भाई साहब, ये पेड़ क्या है? ये मैंने थोड़ा ना यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी हैं, ये पेड़ कुछ खास ही चीज़ है, कुछ अजीब ही है पेड़ ये। देखेंगे, हमें फ्लाइंग डाइनो चाहिए, फिर चलेंगे पेड़ की तरफ भी। तो भाई पूरे आसमान में पेड़ है, इतना बड़ा पेड़ है ना ये। जाएंगे इधर एक बार, जब जाएंगे तब पता चलेगा क्या चीज़ है। सो ऐसे ही पेड़ जैसी और भी काफ़ी चीज़ें हैं इस मैप में, जो एक्सप्लोर करने का काफ़ी मज़ा आएगा। ओके, सो वुडन बैट भी हो गया क्राफ्ट, अब बस हमें चाहिए पैरासोर। ओके, तो पैरासोर भी मिल गया। हाँ जी, बस बेटा इधर खड़े रहो, लगा ले दो। वे लेवल 23 का ये होगा नहीं मुझे लगता, बोला टूट जाएगा इतना तक। हो गया हो गया हो गया हो गया। सो ये रहा हमारा पैरासोर, टेम हो चुका है, 33 लेवल का है। अब हमें इसका चाहिए होगा सैडल। सो इसका सैडल क्राफ्ट करने के लिए पहले तो हमें लेवल अपना देखना पड़ेगा। ओके, पैरासोर का सैडल अनलॉक हो चुका है। हाइट चाहिए 80, वुड चाहिए 15 एंड 50 चाहिए फाइबर। सो हाइड हमारे पास, सिर्फ हाइट की ही कमी है, बाकी हमारे पास सब है। सो ओके, हम जल्दी से हाइट लेके आते हैं। तो ये हो गया रेडली क्विप, पैरासोल पे बैठे और अब चलो। हाँ नाइस, ठीक है, अब थोड़ा एक्सप्लोर करना एंड ट्रैवल करना थोड़ा सा इजी, काफ़ी ज़्यादा इजी तो नहीं होगा अभी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग ही है, तो थोड़ा सा इजी हो गया। पैरासोर पे कोई अटैक करेगा फिर प्रॉब्लम होगी, जैसे रैप्टर्स वगैरह। वैसे मुझे रैप्टर ही टेम करना चाहिए था। सो इस मैप में वैसे तो हम अपना भी घर बना सकते हैं, बट इस मैप में काफ़ी हमें पहले के बने हुए घर वगैरह एंड कासल्स वगैरह मिल जाते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ मुझे वैसा ही कुछ मिल जाए। और अबे यार, यहाँ पे इतनी पास पास में इतने डाइनोस क्यों हैं? ऐसे आरजीज घूम रहे हैं यहाँ पर। यहाँ से निकलते हैं हम। ओके, क्योंकि उस तरफ में देख के आए हैं, उस तरफ और ज़्यादा स्नो है पहाड़ों पे, सो वहाँ पे और ज़्यादा ठंड होगी। यहाँ पर थोड़ी नॉर्मल है, एंड मे बी यहाँ पर निकलते निकलते आगे हम नॉर्मल एरिया में भी पहुँच जाएं। अरे भाई, अंधेरा होने वाला, एंड रहने के लिए मेरे पास अभी रात। अब ओए ये, हेलो भाई, सॉरी भाई, छोड़ दे यार बे, आगे दो दो तीन तीन, ये क्या है? जंगली सुअर, ये क्या है? ये वे जंगली सुअर हैं, जंगली सुअर, तीन तीन जंगली सुअर हैं पीछे मेरे पड़े थे। ओके, सो एक काम करते हैं, यहाँ पर तो कुछ हुआ नहीं, हम किसी और जगह रिस्पॉन करते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ पे तो बर्फ ही बर्फ है भाई, यहाँ पे तो मरूंगा ही मरूंगा। कहाँ आ गया भाई साहब? मैं खेलने तो दो मुझे, थोड़ा सा गेम में
समझने तो दो मैप को, क्या करना है मैप में। ओके सो हाइड वाले क्लोथ्स बना लेते हैं, फाइनली हाइड्स वाले कपड़े हमारे रेडी हो चुके हैं, ये रहे हाइड वाले कपड़े। ओके सो हाइड आर्मर के बाद अब हमारी फ्रीजिंग भी ठीक हो गई। ओके सो हाइड वाले कपड़ों में अब हम एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि अब हमें ठंड नहीं लग रही है। तो हम यहाँ से खाना जितना ले सकते हैं और वो ले चलते हैं, एंड वुड भी ले चलते हैं। ओके सो अब बढ़ते हैं आगे। ओके सो मैप का ये वाला एरिया थोड़ा मुझे सेफ लग रहा है क्योंकि यहाँ पे अभी तो कोई ज़्यादा डेंजरस डाइनो नहीं मिला है, एंड कोशिश तो ऐसी है कि ना ही मिले, ना ही इस एरिया में ठंड लग रही है। सो एक काम करते हैं, हम यहीं पे अपना घर बना लेते हैं, एंड मैप के सेंटर में भी पड़ेगा ये। तो यहाँ पे कोई एरिया देखता हूँ अच्छा, एंड वहाँ पे अपना बेस बना लेता हूँ। एंड ये यहीं पर ना बना लिया जाए बेस अपना। या वहां पर बनाता हूँ, ओके ओके सो मुझे ये एरिया काफी खुला और अच्छा बड़ा एरिया लग रहा है, तो हम यहीं पे अपना बेस बनाते हैं अब। एंड मैं एक बार देख लेता हूँ कि वुडन का घर बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा। ओके सो वुडन की चीज़ें अनलॉक हैं सारी। ओके सो जल्दी से वुड कलेक्ट कर लेता हूँ। ओके सो फाइनली गाइस एक छोटा सा घर बनाया, और घर बनाते बनाते रात हो गई है, एंड सामने की रेलिंग अभी बनानी बाकी थी। तो मैंने कहा पहले ही आपको बता देते हैं, एंड रेलिंग लगा देंगे साथ में ही। तो यहाँ पर हम रेलिंग लगा दें, एंड थोड़ी सी रेलिंग यहाँ पर। ओके सो फाइनली ये एक छोटा सा घर बना लिया है हमने, ताकि थोड़े टाइम के लिए हम सर्वाइव कर पाएँ स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। देन जब हमारे पास बाकी सब चीज़ें अनलॉक हो जाएंगी तब बढ़िया सा बनाएंगे और बड़ा। तो काफ़ी चीज़ें अभी अनलॉक हो चुकी हैं, ये घर बनाते बनाते भी काफ़ी लेवल अप हुआ है हमारा। सो चीज़ें हमारे पास मिथी अनलॉक हो चुका है, क्रॉसबो अनलॉक हो चुका है, ट्रैक एरोज अनलॉक हो चुके हैं, एंड हमारे पास मेटल के पिकैक्स, मेटल हैचेट भी अनलॉक हो चुके हैं। देन हमारे पास स्टोन वॉल्स वगैरह अनलॉक हो चुके हैं। देन हमारे पास रीइन्फोर्स्ड विंडो, ट्रैप डोर, ये सब चीज़ें अनलॉक हो चुकी हैं अभी तक। सो मैप अभी एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी पड़ा है, अभी तो कुछ भी मैप हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। सो ये सब चीज़ें हम करेंगे आने वाले एपिसोड्स में। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर, एंड ऐसे ही मज़ेदार एपिसोड्स एंड गेम प्लेस देखने के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल।